how now, how does the car be learning? Liman arada an yutimma radaha wa alamna urihi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bilma'ruf la tukallifu nafsan illa wus'aha لا تدار والدتم بوالدها ولا مولود له بوالده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا أن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله इज्जत और इत्तेहाम के लायक नमाजी भाइयों दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह को इज्जत का लातादार मरतबा शुक्र की जिसकी तौफीक से दरसे कुरान की इन बाबरकत घड़ियों में हम सब हाजिर हैं। अल्लाह ताला के खास फजल से और रिसालत इमाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाहे रहमत से तरतीब वार सिलसिला दरसे कुरान अल्हम्दुलिल्लाह आज आयत नंबर 233 और 34 तक पहुंचा है। कल तक के दरसे कुरान में आपने तलाक के अहकाम के बारे में जरूरी मालूमात गोश्तगुज़ार की। तलाक के बाद अल्लाह ताला ने मदर फील्ड के हवाले से, रिदात के हवाले से, बच्चों को दूध पिलाने के हवाले से आकाम जो है वो जिक्र फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वल वालिदातु युर्दिना औलादहुन्ना हौलैन काबिलैन के माएं अपनी औलाद को 2 साल मुकम्मल दूध पिलाए। इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस रिदात के पीरियड में 6 माह वो भी शामिल करते हैं कि जो किसी भी बच्चे की कम से कम पैदाइश का पीरियड है, यानी वो 30 महीनों तक जो है हुर्मत रिदात को मामूल करते हैं कि कम से कम जो है वो 2 साल और ज्यादा से ज्यादा 30 महीने यानी 2.5 साल जो है वो दूध पिलाने के मुद्दत शामिल करते हैं और बाकी जो आईमा है वो इस टोटल पीरियड को 2 साल तक शुमार करते हैं। बारह 2 साल हो या 30 महीने हो, माँ पर बच्चे के लिए मदर फीड फराहम करना ये वाजिब के दर्जे पर है जब उसके लिए कोई शराई उजर ना हो। अल्लाह न करे अगर माँ मेडिकली तौर पर अनफिट है या डॉक्टर हजरात ये कह देते हैं कि अगर ये मदर फीड कराई थी तो इसके बीमारी के बढ़ने का खदशा है या मदर फीड में अल्लाह न करे कोई ऐसे जरासीम अलामत या ऐसी कोई चीज है कि जो बच्चे की सेहत के लिए नुकसान का पैस बन सकती है तो फिर ये उसके लिए वाजिब नहीं होगा। ये उस औरत के लिए है कि जो सेहतमंद है और बच्चे को दूध पिला सकती है और कोई शरई गुजर भी नहीं है तो जान बूझ के वो इस हक से बच्चे को मालूम नहीं कर सकती। और इसमें ये बात भी जहन में रहे अगर औरत बेवा है या मुतलका है यानी तलाक वाली है या बेवा है और उसके पास भी 2 साल से कम उम्र का बेबी मौजूद है तो उस औरत पर भी ये मदर फीड कराना वाजिब के ही दर्जे पे होगा। ये इसलिए बतौर खास में अर्ज कर रहा हूं कि हमारे यहाँ जब तलाक का मामला अल्लाह न करे किसी जगह पे होता है तो बाज़ घरों
में ये सूरत याद होती है कि बच्चा अभी पैदा हुआ ही होता है और एक माह का, दो माह का, तीन माह का, और अल्लाह ना करे मियां बीवी के ताल्लुक खराब होते हैं और तलाक तक लौट जाती है, तो बास माए उस बच्चे को उसके बाप के घर में फेंकने की हद तक जाती है कि बेउल के घर में और फेंक कर उनको देकर उनके हवाले करके अपने आप को बड़ी जिम्मा समझ लेती है। तो यहाँ ये चीज मलहूज रहे कि मियां बीवी के आपस के ताल्लुक बने या न बने, झगड़ा हो या अमन हो, दोनों सूरतों में उस बच्चे की हद तक ही किसी भी साइड से होना ये गुनाहे कबीरा के जुमरे में होगा, चाहे बाप करता है या मां करती है, दोनों सूरतों में गुनाह होगा। फरमाया लिमन अरादा अन युतिम्मा अदा, उसके लिए जो इस दो खिलाड़ी की मुद्दत को पूरा करना चाहे तो उसके लिए ये जरूरी है कि दो साल उनको जो है वो दो खिलाए। वह अनल मौलूद लहू रिस्को होना और किस्मत होना, और बच्चे का जो वालिद है उसके जिम्मे लाजिम है कि वो बच्चे और माँ के रिज्क की फरहमी, उनकी रिहाइश की फरहमी, उनको बिल मालूम रूटीन के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक पहनाने की जिम्मेदारी ये बाप पर है। यानी तीन चीजें खास तौर पर खान फराम करना, लिबास फराम करना, रिहाइश फराम करना, ये बाप पर शराई तौर पर लाजिम है। अगर इन तीनों चीजों में से किसी भी चीज में बाप को तही करता है, गफलत करता है या ये हक उनको अदा नहीं करता, तो वो दुनिया में भी नाकाबिले एतबार होगा और आखिर में भी अल्लाह उसके रसूल का वो मुजरिम और गुनाहगार ठहरेगा। अब यहाँ पर देखें कि कितनी अहम बात है कि बच्चे की टोटली तौर पर ये जो जिम्मेदारी है या उसकी माँ की जिम्मेदारी बाप पर लाजिम है, और यहाँ पर दो तीन सूरतें बन सकती हैं। अगर अल्लाह ना करे औरत जो है वो तलाक लेके चली जाती है या घर छोड़ के चली जाती है, फिर भी बाप पर उस बच्चे के अखराजात लाजिम होंगे इस कुरान पाक की रोशनी में। और अगर अल्लाह ना करे ऐसा हुआ कि भाई बच्चे की माँ जो है वो फौत हो गई और बाप ने किसी और औरत को हायर किया दाइया के तौर पर या आया के तौर पर, तो फिर उस आया के अखराजात और दाइया के अखराजात ये भी उस बच्चे के बाप के जिम्मे लाजिम होंगे। ये नहीं है कि वो बच्चा किसी के हवाले करके अपने आप को जो है वो तमाम तरह जिम्मेदारी से बड़ी उस जिम्मा समझ ले, ऐसा करेगा तो वो शरई तौर पर गुनाहगार होगा। फरमाया ना तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुसअहा, और अल्लाह ताला किसी को उसकी हैसियत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। ये बात बतौर खास इसलिए है कि औरत है या मर्द है, उनकी जो अल्लाह ताला ने हैसियत बनाई है दोनों के लिए लाजिम है कि वो उस हैसियत के मुताबिक अपनी जरूरियात का लिहाज रखें। ये नहीं है कि भाई एक शख्स जो है वो 1000 रुपए मजदूरी करने वाला है और उसकी बीवी जो है वो उससे 2000 का मुतालबा करना शुरू कर दे, या औरत जो है वो मेडिकल तौर पर इतनी मरीज है, बीमार है और वो जो है अपना बच्चे का बमुश्किल ख्याल रख सकती है और मर्द उस पर कोई इजाफी जिम्मेदारी डालना शुरू कर दे, तो ये दोनों सूरतों में गलती होगी। और हमारे यहाँ बैकवर्ड एरियो में तो खास तौर पर, लेकिन किसी किसी जगह पे यहाँ पर भी जो है वो ऐसे मामला सुनने को मिलते हैं कि इंसानी तकाजों के भी बरक्स होते हैं, इस्लामी तालीमात के भी बरक्स होते हैं, और मर्द जो है वो सर्दी हो, गर्मी हो, कोई बीमार हो, सेहतमंद हो, कोई मामला हो, तो इन सब सूरतों में वो सारा कसूरवार औरत को चढ़ा के अपने आप को सहक खड़ा कर देते हैं, तो ये चीज शरई तौर पर नामुनासिब है। ला तुदार वाले का विवाद भी हम अगर मालूम तो लो विवाद नहीं। फरमाया कि मर्द जो है वो अपने बच्चे के हवाले से कोई मजबूर नहीं कर सकता और औरत जो है अपने बच्चे के बाप को यानी शोहर को मजबूर नहीं कर सकती, यानी जितनी जितनी उनकी हैसियत है उनके मुताबिक जो है वो अपनी
जिम्मेदार या निभाए। और फरमाया वह अगर वारिस रिश्तेदारी और अगर उस बच्चे का कोई वारिस बनना है, यानी अल्लाह न करे ऐसा हुआ कि उस बच्चे के माँ बाप दोनों इस जहान से रुखसत हो गए, फौत हो गए, या मसलन के किसी ने बच्चे को गोद ले लिया, अब जिसने गोद लिया वो उस बच्चे का वारिस बन गया, तो जो हकूक अल्लाह ताला ने उस बच्चे के बारे में बाप पर आयद किए हैं वही तमाम तक जिम्मेदारियां उस पर भी लाजिम होंगी जो उस बच्चे का वारिस बन रहा है। ये नहीं है कि बेगो गोद में बच्चा ले उसका वारिस बने और फिर उसको जो है माशरे के रहमों के नाम पे छोड़ दे, या उसको जो है दाइया या मतलब किसी खातून के रहम पे छोड़ दे, अगर ऐसा करेगा तो भी वो गुनाहगार होगा। फरमाया फरीन आराधा फिर सालम अंतराम के दिन होगा अगर मियां बीवी आपस के मशवरे से उस बच्चे का दूध चुराना चाहते हैं, यानी दो साल अभी मुकम्मल नहीं हुए और कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया, कोई ऐसा उजर आ गया, कोई ऐसा मामला आ गया कि वो दो साल पूरे नहीं कर सकते, तो अल्लाह ताला ने यहां पर फरमाया कि अगर वो मशवरे से दो साल से पहले भी दूध छुड़वाना चाहते हैं तो वो छुड़वा सकते हैं। वही अगर तुम अंतस्कर को और अगर वो चाहते हैं कि दो साल पूरे जो है बच्चे को दूध पिलाया जाए तो भी जो है उन पर कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ये उस सूरत में है कि जब मियां बीवी इस पे राजी हो और उसमें कोई उजर हो, बिना उजर या कोई तुम दोनों में से एक अपनी मर्जी से यह फैसला नहीं कर सकता बल्कि कोई वजह सामने हो सकती है, उजर सामने हो सकता है, तो उस बिना पर जो ये मामला हो सकता है। मतलब कोशिश यही करनी चाहिए कि जो अल्लाह ताला ने ये मुद्दत मियाद मुकर्रर की है ये बच्चे को बतौर हक देनी चाहिए कि इसमें अल्लाह ताला ने और तादाद रखी है, बाहर का कोई भी ब्रांड का दूध या बहन की कोई भी मुतबादिल चीज वो माँ की उस फील का मुकाबला नहीं कर सकती जो कुदरत की तरफ से, फितरत की तरफ से, नेचर की तरफ से अल्लाह ताला ने उस बच्चे के लिए बतौर निजात की है। फरमाया वत्तकुल्लाह, यहाँ पर देखें यानी बाप माँ और बच्चे की रिकार्ड और उसके अहकाम जिक्र करने के बाद अल्लाह ने फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अब यहाँ पर ये बात बड़ी काबिल गौर है कि यहाँ पर वत्ता कुल्ला का ताल्लुक वो बज़ाहिर इस चीज के साथ नहीं जुड़ता, लेकिन अल्लाह ने यहाँ पर बतौर खास ये बात करी वत्ता कुल्ला, अल्लाह से डरो, यानी बच्चे की परवरिश का मामला है, बच्चे की तरबियत का मामला है, हकूक उलाद की अदायगी का मामला है, चाहे माँ है, उसका शौहर है, उसका बच्चा है। फरमाया वत्ता कुल्ला, अल्लाह से डरो, कि यहाँ पर कोई भी बंदा जो है अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करता हक में जो है अगर कोई गफलत करता है, अगर कोई गफलत करता है तो वो फिर क़यामत के दिन अल्लाह का भी दहनदार होगा। फरमाया वालम और जान लो अल्लाह का तामुल बसीर, तुम जो कुछ भी करते हो अल्लाह ताला उसको देख भी रहा है, अल्लाह ताला उससे वाकिफ भी है कि कौन किसके हक की अदायगी में जो है अल्लाह रसूल के हुक्म की पैरवी कर रहा है और कौन उसकी हक तलफी में जो है अल्लाह रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसके बाद अल्लाह ताला ने दूसरी आयत नंबर 234 में बेवा औरतों के बारे में फरमाया कि वल्लज़ीना यतवफ्फौना मिनकुम, कि तुम में से जिनके शौहर फौत हो जाए, वयज़रूना अज़वाजन, और वो बीवियां छोड़ जाए, या तरबसना बिअन्फुसिहिन्ना अरबअा अश्हुरिन वअशरा, वो चार महीने 10 दिन अपने आप को रोके रखें, यानी बेवा की जो इद्दत है वो 4 माह 10 दिन है, तलाक की इद्दत वो 3 माह है और बेवा की इद्दत 4 माह 10 दिन है, और इस इद्दत में उस औरत के लिए जरूरी है कि वो अपने आप को उस बनाव सिधार में ना रखे जो शौहर के फौत होने से पहले करती थी, नए लिबास के पहनने से गुरेज करे, नए जेवरात के पहनने से गुरेज करे, जो रूटीन में उसने ऑलरेडी पहन रखे हैं या जो रूटीन में इस्तेमाल में रहते हैं वो कर सकती है, और बगैर शरई मजबूरी के, बगैर तहरम के वो जो है इस पीरियड में घर से बाहर नहीं जा सकती। हाँ अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसा मामला है कि उसके जाने के बगैर हल नहीं होता,
बस उसने कोई आयुष्मान की पेंशन निकलवा दी है, या अल्लाह ना करे वो बीमार हो गई है, उसने डॉक्टर से दवाई देनी है, ये शरई मजबूरी के तहत हो जा सकती है, वरना कोशिश करें कि अपने शौहर की चार दीवारी में अपने आप को पाबंद रखें। फरमाया फैजा अल्लाह आजादा अपना फला चुना ले को फी मा फला बयान को सीना में मारो, जब ये चार मा दस दिन इद्दत पूरी हो जाए, अब उन औरतों को मुकम्मल अख्तियार है वो दस्तूर के मुताबिक कानून के मुताबिक अपने बारे में जो फैसला करना चाहती है कर ले। यानी जब इद्दत मुकम्मल हो गई, वो अगर दूसरी जगह निकाह कराना चाहती है तो माशरे का कोई फर्ज उनको रोक नहीं सकता। अगर अपने आप को उस आश्रय के बगैर उनका अपना घर है या माँ बाप है बहन भाई है वो अपने बारे में जो फैसला करे, शरीयत ने अख्तियार उनको दिया है, माशरे के दीगर अफराद को हत्ता के औलिया को भी अख्तियार नहीं है, उनके जो वली है उनको भी अख्तियार नहीं है कि वो किसी मामले में उन पर जबरदस्ती करें। खबीर तुम जो भी करते हो अल्लाह ताला उन सब बातों से बाखबर है। तो आज के दरस कुरान की दो आयत मुबारक में रिदात के हवाले से और फौत शुदा शोहर की बीवी की इज्जत के हवाले से ये अहकाम जिक्र हुए। और यहाँ पर एक चलते चलते बात ये भी जहन में रहे कि अपना जो रिदात का पीरियड यानी दो साल का, यही दो साल का पीरियड किसी और के लिए भी रिदात शुमार होगा। यानी अगर कोई बच्चा दो साल की उम्र में किसी औरत का जो है वो दूध इस्तेमाल कर लेगा तो फिर दो साल के पीरियड में वो उसकी रिदाई माँ शुमार होगी, और जो उसके रिश्ते नसब की वजह से हराम है वो उस रिदात की वजह से उस पर हराम हो जाएगी। यानी रिदात की मुद्दत का पीरियड। और अगर ऐसा हुआ कि एक बच्चा की उसकी उम्र चार साल हो गई और उसने किसी औरत का दूध पी लिया तो वहां पर तो रिदात वाला मामला शामिल नहीं होगा, क्योंकि उसकी लिमिट अंदर रखी है दो साल। तो दो साल के पीरियड में अगर ये रिदात हो गई तो वो साबित होगी, इसके बाद वो साबित नहीं होगी। अल्लाह के अजूल इंतजार के अल्लाह ताला हमें इन अहकाम की रोशनी में अपने मामला जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। क्वेश्चन है, ये फ्लेक्स लगाने से कोई मामला नमाज के दौरान कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई ये मसला ना आज से शायद कोई दो मिनट पहले भी एक आयत के तहत मैंने जिक्र कर दिया था। अल्लाह की मस्जिदों में मुख्तलिफ नाम मुख्तलिफ अस्मा या मुख्तलिफ फ्लेक्स वगैरह वो लिखी हुई होती है, उनकी तरफ अगर ख्याल चला भी जाए तो नमाज पे कोई असर नहीं पड़ता। असूल ये है कि नमाज में ख्याल का आना ये नमाज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद ख्याल ले आना ये नमाज के खुशू खजू को जो है वो बिगाड़ देता है, खत्म करता है। और अगर इनमें से कोई भी चीज ना लगी हुई हो तो ये इंसानी फितरत है और शैतान का ये वाद होता है कि वो नमाजी को किसी न किसी ख्याल में मसरूफ रखता है, हत्ता के इस अमल से सहाबे किराम भी महफूज नहीं है। मैंने एक दर्स में ये बात बताई थी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक शख्स आया और उसने दो हीरे तोहफे में पेश किए, एक जर्द रंग का हीरा था और एक सुर्ख रंग का हीरा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को फरमाया कि मेरे सामने तुम दो रकत नमाज नफल पढ़ो, जिसको कोई ख्याल नहीं आएगा उसको मैं एक हीरा तोहफे में दूंगा। हज़रत सदीक अकबर ने नमाज पढ़ी तो आप अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझे तो नमाज में ख्याल आए थे। हज़रत उमर फारूक ने पढ़ी, अर्ज किया या रसूल अल्लाह ख्याल मुझे भी आया था। हज़रत उस्मान गनी ने पढ़ी, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ख्याल मुझे भी आया था। हज़रत अली मुर्तज़ा ने पढ़ी तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझे और कोई ख्याल नहीं आया, ये ख्याल आया था कि आप मुझे जर्द हीरा देंगे या आप मुझे सुर्ख हीरा देंगे। तो हजूर ने फिर दोनों हीरे जो है हजरत अली को दे दिए। तो यानी ख्याल का आ जाना ये मसला नहीं है, यानी अगर खुद से बंदा बाहर से एक फैसला करके आता है कि मैं दुकान का हिसाब नमाज में करूंगा या मैं फलां मामले के बारे में रौद फौज मस्जिद में जाके करूंगा तो ये काम के अंदर
इन लिखी हुई चीजों में से किसी ख्याल का आ जाना ये नमाज के लिए कोई मसला नहीं। दूसरा आदाब मस्जिद के हवाले से जो है ये गुफ्तगू करते हैं लोग आके, थोड़ा सा मुस्कुराहट भी हो जाती है, उससे थोड़ा सा लाफ्टिंग पोजीशन में भी आ जाता है, तो उस सूरत में क्या होगा? यकीनन ये एक टॉपिक तो बकायदा लेंथी है, इस पे तफसीली डिस्कस होनी चाहिए, लेकिन दो तीन पॉइंट एक मैं बात अर्ज कर दूं। अगर कोई बंदा मस्जिद में इबादत और नेकी की नीयत से आता है, ये जब वो बाहर से अंदर दाखिल हो रहा था, उसकी नीयत और इरादा था मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, मैं दर्स सुनने सुनाने जा रहा हूँ, यानी उस नेकी के इरादे से आने वाला यहाँ पे बैठकर उस नेकी के अलावा किसी बात में अगर अचानक मसरूफ हो जाता है तो वो कतअन गुनाहगार नहीं होगा। अगर यहाँ पे आया नमाज पढ़ने के लिए, दर्स सुनने के लिए आया है, नेकी करने के लिए आया है और उसके तहत कोई दुनिया की बात हो गई तो ये कोई शरई तौर पर ऐब नहीं होगी और गुनाह नहीं होगा। अगर बाहर से आते हुए नियत ये करके आया है कि मेरा ये दुनिया का मसला है और मैं वो मस्जिद में जाकर बैठ के करूंगा, तो ये बात उसके लिए मस्जिद के आदाब के खिलाफ है और गुनाहगार भी होगा। और यहाँ पर बातचीत करते हुए अगर कोई बंदा मुस्कुरा देता है या कोई बाहर की मिसाल दे देता है या आपस में कोई एक दूसरे के बारे में तजिया तहकीक या किसी मामले में मशवरा लेना देना कोई बात हो सकती है, तो उसमें कोई शर्त तौर पर कबूल नहीं। इसका दूसरा पहलू शरारतन किसी को मजाक में भी जो है ना वो टांग मार देना या कोई ऐसी चीज, देखिए ये चीजें वो है कि जो मस्जिद के बाहर भी मना है, यानी किसी का मजाक उड़ाना, किसी की चेयर पर आ लेना, किसी को तर्ज करना, ताना देना, ठीक है ना, याद है किसी के नेक काम में जो है खां खां का मतलब है मुदाखलत या मतलब, वो तो मस्जिद के बाहर भी मना है, तो मस्जिद के अंदर जो है ये चीजें बदर्जा औला मना है कि आपके दीन के लिए, नेकी के लिए, अच्छाई भलाई के लिए कोई भी आता है, किसी भी रंग में आता है, उसको वेलकम करना चाहिए, खुशामदीद कहना चाहिए और वो अल्लाह का मेहमान बन के आता है तो उसकी इज्जत करना वो अल्लाह के मेहमान की इज्जत करना होगा। अल्लाह के हुजूर ले जाए कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह अपने और अपने रसूल के बताए हुए आकाबात की रोशनी में अपने मामलात निभाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और मोहम्मद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दुआ में इस्तिआज़ा अल्लाह की तरफ से दुआ में उनके का रब इशराक सबी व यसीनी व रिवाहुल तकवीन इस्लामी को कौली अल्लाह